नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, एक बड़ी खबर सामने आई है वसई विरार महानगर पालिका अंतर्गत नाला सुपारा क्षेत्र से, जहां नाला सुपारा में रेलवे स्टेशन के करीब सनशाइन क्षेत्र में वसई विरार महानगर पालिका के गैरेज में पड़ी एक बस में आग लग गई। इस बस में आग लगने के बाद में देखते ही देखते आग इतनी बृहद हो गई कि एक से चार बसों में वो आग फैल गई, जिस कारण आसपास के रहवासियों में ये डर लगने लगा कि कहीं उनके घरों में आग न पकड़ ले, तो लोग अपना घर छोड़कर बाहर भागने लगे। अफरा तफरी का माहौल हो गया। इस घटना की जानकारी जब वसई विरार महानगर पालिका अग्निशमन दल को हुई, तब अग्निशमन दल ने मोर्चा संभाला और अग्निशमन दल की 3 गाड़ी वहां पर आग पर काबू पाने के लिए आई और आग पर जैसे तैसे काबू पाया गया। जो बसे है वो बसे दिखाई दे रही है वसई विरार महानगर पालिका परिवहन समिति की, तो ये सही है कि बसे वसई विरार महानगर पालिका परिवहन समिति की है, लेकिन बसों को लेकर कुछ अलग स्टोरी है और वो स्टोरी यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये बसें जो है वो वसई विरार महानगर पालिका परिवहन समिति की स्वामित्व की थी, आज उनकी नहीं है। ये दरअसल पूर्व कॉन्ट्रैक्टर भागीरथी ट्रांसपोर्ट कंपनी लिमिटेड की बसें हैं, जो करीब ऐसी 110 बसें आज भी वसई विरार में अलग अलग क्षेत्रों में पड़ी हुई है। भागीरथी का कॉन्ट्रैक्ट रद्द हुआ 2019 में, उस समय भागीरथी के ऊपर शासन का बोझा था करीब 7 करोड़ के आसपास, जिसमें से भागीरथी को कुछ अपना पैसा शासन से लेना था 2 करोड़, तो उस हिसाब से लगभग 5.5 करोड़ रुपए भागीरथी के ऊपर शासन का बोझा था, जो भागीरथी ट्रांसपोर्ट कंपनी नहीं चुका सकी, जिसके लिए ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने आदेश देते हुए इन बसों को जब्त किए जाकर इनकी नीलामी करने का आदेश प्रशासन को दिया था। तो जैसा कि मैंने बताया, भागीरथी ट्रांसपोर्ट कंपनी का बोझा जो सरकार के था लगभग 7 करोड़, जिसमें से 2 करोड़ उनका निकाल दिया गया, 5.5 करोड़ के आसपास का, उसको वसूली किए जाने के लिए ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने पालघर कलेक्टर के मार्फत वसई तहसीलदार को ये निर्देश दिए थे कि इन बसों की नीलामी की जाकर इन बसों से आने वाला पैसा शासन जमा करे। आज 4 बसें जलकर खाक हो गई और वहीं बाकी की 100 से ज्यादा बसें जो है आज भी वसई विरार में धूल खा रही है और शासन के पैसों का नुकसान हो रहा है, शासन का महसूल डूब रहा है। तो कहीं ना कहीं महानगर पालिका को भी फॉलोअप करना चाहिए, लेकिन फिलहाल जैसा मैंने बताया कि इसमें महानगर पालिका का फिलहाल कोई लेना देना नहीं है। ये जो बसें हैं सिर्फ इनके ऊपर जो लिखा हुआ है वसई विरार महानगर पालिका परिवहन समिति, ये पहले के कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से लिखा हुआ है, लेकिन आज की स्थिति में ये काम जिलाधिकारी और तहसीलदार को करना चाहिए। इन बसों को जैसे तैसे जहां जहां वसई नाला सुपारा और विरार में जहां पर भी ये बसें इस तरह से खड़ी है, उन बसों को नीलाम किया जाकर जो पैसा है वो शासन के फंड में जमा करना चाहिए, नहीं तो आगे ऐसी भी और बड़े मामले देखने को मिल सकते हैं। तो हम आपको खबर बता रहे थे नाला सुपारा आगजनी की। नाला सुपारा में जो आगजनी की खबर हुई, मीडिया में भी काफी खबर चल रही है, खबर सही है, आगजनी हुई है, लेकिन इसके पीछे की कहानी हमने आपको बताई कि ये बसें किस तरह से पूर्व कॉन्ट्रैक्टर भागीरथी ट्रांसपोर्ट की थी, जिसको शासन को नीलाम करना था और वो ऐसी की ऐसी पड़ी है, उसके ऊपर शासन का लक्ष्य नहीं है। अब देखते हैं क्या इस हादसे के बाद में तहसील प्रशासन जागता है, अब यह सवाल है। ऐसी और खबरों के लिए हमारे साथ बन रही है, अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।